नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव सिंह। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश विशेष। सभी क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और ये आपका है एक रिवीजन क्लास। इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लेसन व कोर्स वीडियो एग्ज़ाम के लिए व अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए मैं लगातार देता रहता हूँ। तो वहाँ से आप PDF और वीडियो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं आपको पहले से ये सभी प्लेलिस्ट दे चुका हूँ, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अन अकेडमी पर ये सभी हमने आपको कोर्स दिया है, और इन कोर्सों को अच्छे से तैयार करें, ये भी आपके वीडियो एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है, ये आपका फर्रुखाबाद में है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है, ये लखनऊ में है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं इलाहाबाद। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है तो गोंडवाना लैंड का। आगे हम बात करेंगे, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाने वाले को जाना जाता है राण के नाम से। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण बनता है। जनपद और मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, तो 3, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त, सुश्री मायावती। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है अगला, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया तो 1937 में किया गया है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, राहुल संस्थान संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपका है गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रश स्थित है कहाँ पर है, ये आपका है, ये भी आपका है गोरखपुर में। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है कहाँ से होता है, गोरखपुर से होता है। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर की निर्माण स्थली है मगहर। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नैमिषारण्य स्थित है, ये आपका है सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य, इसे बोलते हैं छपेली नृत्य। आगे हम बात करेंगे, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, उसे बोलते हैं धीवर राग। आगे हम बात करेंगे, आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली एटा। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1980 में। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक। आगे हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का रेलवे मुख्यालय है इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। कन्हर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आगे हम बात करेंगे, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से, ये आपके हैं सुमेलित। झांसी में नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सफाई क्षेत्र समिति। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा यहाँ पर लोकगीत नहीं है,
तो ढोला मारू, ये कहाँ का है, ये आपका है राजस्थान का। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कथन और कारण। कथन क्या है कि शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो आपको होता है जून जुलाई के दौरान होती है। संस्थान और स्थान, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये आपका है लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये आपका है आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये आपका है कानपुर में। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो मुरिया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आला का संबंध है बुंदेलखंड से, बिरहा का पूर्वांचल से, चैती का ब्रज से और कजरी का अवध से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो आपका है सोनभद्र। आगे हम बात करेंगे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया 2003 में। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई, तो कब लागू की गई, 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, कहां पर, लखनऊ में। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने अर्चना केंद्र स्थापित किए, 5। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे नगर कस्बा और नदी, बिठूर गंगा किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, प्रतापगढ़ साई नदी। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो प्रतापपुर देवरिया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, निदेशालयों और स्थानों का सम्मेलन इस प्रकार है, यहाँ पर क्या है DRR, यह हैदराबाद में है, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह आपको बरेली में है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 32.41% है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, यह आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में 12-13 में गन्ने का समर्थित मूल्य था 280 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद एवं गाजीपुर में जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो आपका है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो आपका है 77.3%। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए डेट आपका दिया गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर है 4, ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2013 को 4 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन अगर अभी के हम वर्तमान की बात करेंगे तो आपके 6 हो गए हैं, ठीक है, सामान्य आपके विश्वविद्यालय 4 हैं और ऐसे आपके 6 हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, देखिए पहला आपका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका जो कि अलीगढ़ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपका वाराणसी में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है, इलाहाबाद आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अन्य हैं दो और हैं, पांचवा आपका है केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो कि है रायबरेली में, और छठा आपका कहाँ पर है, ये है आपका झांसी में, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो टोटल की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर 6 होंगे। तो दोस्तों ये था पूरा आपका लेसन,
यूपी जीके का काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम वीडियो और कॉन्स्टेबल के लिए। अच्छे से इसको तैयार करें, और अगर आपको ये पूरा लेसन पसंद आया है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अधिक से अधिक लाइक करते रहें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।